ये देखिए मैंने यहाँ पर 15 फंदे लिए हैं, 11 फंदे पैटर्न के हिसाब से लिए हैं, प्लस 4 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं, 2 फंदे साइड में डिजाइन को इक्वल करने के लिए 13 फंदे, 2 फंदे स्टिच के लिए 15 फंदे, नीचे से बेस देने के लिए 2 रॉ उल्टे फंदों के साथ बुनकर निकाल ली है। तो आपने जब भी अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस डिजाइन को डालना है तो आप 11-11 के मल्टीपल से फंदे लेंगे प्लस 4 फंदे एक्स्ट्रा रखेंगे तो आपका ये डिजाइन अच्छे से सेट हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। पहली रॉ सीधी साइड स्टिच स्लिप करेंगे, धागा आगे रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 2, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, 1 फंदा 2 बार धागा रैप करके बनाएंगे, 1 2, 1 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, ऐसे छोड़कर यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने 2 फंदे उल्टे बुने, 4 फंदे सीधे, 1 फंदा सीधा बुना, 2 बार धागा रैप करके, 4 फंदे सीधे, ये हमारा 11 फंदों का पैटर्न है। देखिए 2 4 6 8 10 11, फिर से इस पैटर्न को ऐसे ही बार बार रिपीट करते हुए जाएंगे और लास्ट में 3 फंदे बचेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 2, एस्टेज सीधा बुनेंगे। पहली रॉ कंप्लीट हो गई है, दूसरी रॉ रॉन्ग साइड सीधे फंदे सीधे उल्टे फंदे उल्टे बुनेंगे, एस्टेज स्लिप करेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 2 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, अब ये हमने जो 2 बार धागा रैप करके बनाया था इसको अनरैप करेंगे या स्लिप करेंगे, और अब 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, ये देखिए यहाँ पर मैंने 2 फंदे सीधे बुने, 4 फंदे उल्टे, 1 फंदा स्लिप किया, 4 फंदे उल्टे, फिर से इस पैटर्न को ऐसे ही बार बार रिपीट करते जाएंगे और लास्ट में 2 फंदे सीधे, 1 2, स्टिच उल्टा। तीसरी रॉ सीधी साइड स्टिच स्लिप करेंगे, धागा आगे रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 2, चाई डालेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब देखिए 5 फंदे लेंगे, 5 फंदे लेंगे और लेफ्ट टू राइट इस तरफ को टेस्ट करेंगे, पीछे का जो पांचवा फंदा है उसको फ्रंट लूप से आगे लाएंगे, आगे वाले 4 फंदे पीछे की साइड से पीछे लेकर जाएंगे इस तरह से। अब इसको इस तरह से पलट कर लेफ्ट नीडल पर लेकर जाएंगे और बैक लूप से 2 फंदों का 1 फंदा बुनेंगे। अब 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 1 फंदा 2 बार धागा रैप करके बनाएंगे, 1 2 1, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, ये देखिए हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने 2 फंदे उल्टे बुने, फिर 5 फंदे लेफ्ट टू राइट ट्विस्ट की, 2 फंदे उल्टे बुने फिर जाई डाली, उसके बाद 5 फंदे लेफ्ट टू राइट ट्विस्ट किए और 2 फंदों का 1 फंदा बुना, 3 फंदे सीधे बुने, फिर 1 फंदा 2 बार धागा रैप करके बनाया, 3 फंदे सीधे, फिर से इस पैटर्न को ऐसे ही बार बार रिपीट करते जाएंगे और लास्ट में 3 फंदे हैं, 2 फंदे उल्टे, 1 2, स्टिच सीधा बुनेंगे। तीसरी रॉ कंप्लीट हो गई है, चौथी रॉ रॉन्ग साइड स्टिच स्लिप करेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा आगे, अब 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, 1 फंदा स्लिप करेंगे और 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, ये देखिए यहाँ पर मैंने 2 फंदे सीधे बुने, 3 फंदे उल्टे, 1 फंदा स्लिप किया, 5 फंदे उल्टे, फिर से पैटर्न को रिपीट करते जाएंगे और लास्ट में 2 फंदे सीधे, 1 2, स्टिच उल्टा। पांचवी रॉ है सीधी साइड है, स्टिच स्लिप करेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 2, 1 फंदा सीधा बुनेंगे, जाई डालेंगे, अब 5 फंदे लेंगे लेफ्ट टू राइट
इस तरफ को ट्विस्ट करेंगे, पीछे का पांचवा फंदा फ्रंट लूप से आगे लाएंगे, आगे वाले चार फंदे बैक लूप से, पीछे लेकर जाएंगे इस तरह से। अब इसको पलट कर लेफ्ट नीडल पर लेकर जाएंगे और बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बुनेंगे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, एक फंदा दो बार धागा रैप करके बनाएंगे, एक दो एक, दो फंदे सीधे, एक दो। ये देखिए हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने दो फंदे उल्टे बुने, एक फंदा सीधा जाई डाली, पांच फंदे लेफ्ट टू राइट ट्विस्ट किए और दो फंदों का एक फंदा बुना, तीन फंदे सीधे, एक फंदा दो बार धागा रैप करके बनाया, दो फंदे सीधे। फिर से इस पैटर्न को ऐसे ही बार बार रिपीट करते जाएंगे और लास्ट में दो फंदे उल्टे, एक दो स्टिच सीधा बुनेंगे। तो देखिए पांचवी रॉ कंप्लीट हो गई है, छठी रॉ है रॉन्ग साइड। स्टिच स्लिप करेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, दो फंदे सीधे, एक दो, दो फंदे उल्टे, एक दो, एक फंदा स्लिप करेंगे, छह फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छः। ये देखिए यहाँ पर मैंने दो फंदे सीधे बुने, दो फंदे उल्टे, एक फंदा स्लिप किया, छः फंदे उल्टे। फिर से इस पैटर्न को ऐसे ही बार बार रिपीट करते जाएंगे और लास्ट में दो फंदे सीधे, एक दो स्टिच उल्टा। अब देखिए ये हमारी सातवीं रो है और सीधी साइड है। स्टिच स्लिप करेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, दो फंदे उल्टे, एक दो, दो फंदे सीधे, एक दो, जाई डालेंगे, पांच फंदे लेफ्ट टू राइट इस तरफ को ट्विस्ट करेंगे, पीछे का पांचवा फंदा फ्रंट लूप से आगे लाएंगे, आगे वाले चार फंदे बैक लूप से पीछे लेकर जाएंगे और इसको लेफ्ट नीडल पर लेकर जाएंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बुनेंगे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, एक फंदा दो बार धागा रैप करके बनाएंगे, एक दो एक, एक फंदा सीधा। ये देखिए यहाँ पर मैंने दो फंदे उल्टे बुने, दो फंदे सीधे, जाई डाली, पांच फंदे लेफ्ट टू राइट ट्विस्ट किए, दो फंदों का एक फंदा बुना, तीन फंदे सीधे, एक फंदा दो बार धागा रैप करके बनाया, एक फंदा सीधा। फिर से इस पैटर्न को ऐसे ही बार बार रिपीट करते जाएंगे और लास्ट में दो फंदे उल्टे, एक दो स्टिच सीधा बुनेंगे। सातवीं रॉ कंप्लीट हो गई है। आठवीं रॉ है रॉन्ग साइड। स्टिच स्लिप करेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, दो फंदे सीधे, एक दो, एक फंदा उल्टा, एक फंदा स्लिप करेंगे। अब देखिए दो चार छः और सात फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छः सात। ये देखिए यहाँ पर मैंने दो फंदे सीधे बुने, एक फंदा उल्टा, एक स्लिप किया, सात फंदे उल्टे। फिर से पैटर्न को रिपीट करते जाएंगे और लास्ट में दो फंदे सीधे, एक दो स्टिच उल्टा। नौवीं रॉ है और सीधी साइड है। स्टिच स्लिप करेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, दो फंदे उल्टे, एक दो, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, जाई डालेंगे, पांच फंदे लेफ्ट टू राइट इस तरफ को ट्विस्ट करेंगे, पीछे का पांचवा फंदा फ्रंट लूप से आगे लाएंगे, आगे वाले चार फंदे बैक लूप से पीछे लेकर जाएंगे, लेफ्ट नीडल पर लेंगे और बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बुनेंगे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, एक फंदा दो बार धागा रैप करके बनाएंगे, एक दो एक। ये देखिए यहाँ पर मैंने दो फंदे उल्टे बुने, तीन फंदे सीधे, जाई डाली, पांच फंदे लेफ्ट टू राइट ट्विस्ट किए और दो फंदों का एक फंदा बुना, तीन फंदे सीधे, एक फंदा दो बार धागा रैप करके बनाया। फिर से इस पैटर्न को ऐसे ही बार बार रिपीट करते जाएंगे और लास्ट में दो फंदे उल्टे, एक दो
एज इज सीधा बुनेंगे। तो देखिए नाइन्थ रॉ कंप्लीट हो गई है, टेंथ रॉ है रॉन्ग साइड। एज इज स्लिप करेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, दो फंदे सीधे, एक दो धागा आगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, आठ फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। ये देखिए यहाँ पर मैंने दो फंदे सीधे बुने, एक स्लिप किया, आठ फंदे उल्टे बुने। फिर से पैटर्न को रिपीट करेंगे और लास्ट में दो फंदे सीधे, एक दो स्टिच उल्टा बुनेंगे। 11 रॉ है और सीधी साइड है। स्टिच स्लिप करेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, दो फंदे उल्टे, एक दो चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार जाई डालेंगे, पांच फंदे लेफ्ट टू राइट इस तरफ को ट्विस्ट करेंगे, पीछे का पांचवा फंदा फ्रंट लूप से आगे लाएंगे, आगे वाले चार फंदे बैक लूप से पीछे लेकर जाएंगे, लेफ्ट नीडल पर लेंगे और बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बना देंगे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। ये देखिए यहाँ पर मैंने दो फंदे उल्टे बुने, फिर चार फंदे सीधे बुने, जाई डाली, पांच फंदे लेफ्ट टू राइट इसके, दो फंदों का एक फंदा, तीन फंदे सीधे बुने। फिर से इस पैटर्न को ऐसे ही बार बार रिपीट करते जाएंगे और लास्ट में दो फंदे उल्टे, एक दो स्टिच सीधा बुनेंगे। 11 रॉ कंप्लीट हो गई है, 12 रॉ रॉन्ग साइड। स्टिच स्लिप करेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, दो फंदे सीधे, एक दो, अब नौ फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। ये देखिए यहाँ पर मैंने दो फंदे सीधे बुने, नौ फंदे उल्टे। फिर से पैटर्न को रिपीट करेंगे और लास्ट में दो फंदे सीधे, एक दो स्टिच उल्टा। तो देखिए 12वीं रॉ कंप्लीट हो गई है और हमारा पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है। तो आगे की साइड से ये इस तरह से दिखता है और पीछे की साइड से ये इस तरह से दिखता है। तो फिर से हम इसे फर्स्ट रॉ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे ही बार बार इसकी 1 to 12 रॉ रिपीट करते जाएंगे और ये पैटर्न बनकर इस तरह से दिखने लगेगा। इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, लेडीज कार्डिगन में, लेडीज जैकेट में, लेडीज शर्ट में, गर्ल्स टॉप में, बच्चों के स्वेटर में। तो फ्रेंड आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारे पैटर्न्स अच्छे लगे तो हमारे चैनल को लाइक करना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो फिर से मिलते हैं ऐसे ही और नए नए पैटर्न के साथ। टिल देन बाय बाय फ्रेंड।